नमस्कार, मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं उज्जैन की खबरों की ओर। तराना पुलिस व नारकोटिक्स विभाग इंदौर ने गांजा तस्करों को पकड़ा और उन पर संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। करीबन 1.5 करोड़ रुपए की कीमत का 13 क्विंटल 76 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार और 1 कंटेनर भी जब्त किया। तराना में 13 क्विंटल 76 किलो गांजा को पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1.65 करोड़ रुपए की है, जिसको नारकोटिक्स विभाग इंदौर व तराना पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि गांजा मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश के तराना गांव में लाया जा रहा था, जिससे तराना से 5 किलोमीटर दूर गुर्जरखेड़ा में पकड़ा गया। पुलिस व नारकोटिक्स विभाग में संयुक्त कार्यवाही करते हुए तराना के 2 नागरिकों को अपनी गिरफ्त में लिया। वहीं उन्होंने बताया कि गांजा को मुर्गियों के दाने के बीच में दबाकर लाया जा रहा था। साथ ही पुलिस से बताया कि तराना के और कई लोगों की भी इसमें संलिप्तता की शंका है। नारकोटिक्स व पुलिस की जानकारी के अनुसार आगे तराना के और भी गांजा व्यापारियों के नाम सामने आने की आशंका बताई जा रही है। टीम द्वारा आज बड़ी कार्रवाई की गई है और बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया है, क्या है पूरा मामला? आज सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंदौर की टीम का फोन आया था कि हमने एक ट्रक गुजरखेड़ा मक्सी रोड पर इंटरसेप्ट किया है, हमको तत्काल मदद की आवश्यकता है। तो मैं अपनी टीम के साथ तत्काल वहाँ पहुँचा था और उन्होंने वहाँ ट्रक को मैं 2 आरोपी के पकड़ के रखा था, जो ट्रक हम लोग सुरक्षा में तराना पुलिस के सहयोग से तराना लेके आए हैं। और ये मिलीजुली कार्रवाई में 1376 किलो गांजा अंतर्राष्ट्रीय कीमत जिसकी करीब 1.5 करोड़ रुपए है जब्त हुआ है। एक ट्रक RJ17GA6181 जब्त हुआ है और 2 आरोपी NCB ने गिरफ्तार किए हैं। जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, अब उनसे पूछताछ के लिए नारकोटिक्स कार्रवाई करेगी या आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? अब कार्रवाई पूरी ना NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की जा रही है, हम उनके सहयोग में हैं। आगे क्या लगता है आपको, ये जिस तरीके का मामला जो सामने आया है, इसमें और भी आरोपी सामने आ सकते हैं, कितना बड़ा मामला है ये? अभी तो सिर्फ 2 जो ट्रक में एक ड्राइवर और एक क्लीनर वो हुए, इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन NCB द्वारा किया जाएगा, इसमें और भी आरोपी के गिरफ्तार होने की संभावना है। सर, गांजा कहाँ से आया और कहाँ जा रहा था? ये गांजा आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश आया है और तराना ही आ रहा था। ऐसा किस चीज में छिपा के ले जाया जा रहा था सर गांजा? ये ट्रक में मुर्गी का जो दाना है, चूरी जो चावल की है, उसके बोरे में छुपा के लाया जाता है। दाना का जो मुर्गे के दाने कहाँ आए थे तराना में, ये अभी नारकोटिक्स ब्यूरो अभी बताएगी उसका। अभी उन्होंने खुला था। लगता है कोई आरोपी है तराना के, कोई इसमें इन्वॉल्व? मुझे लगता है कि इसमें तराना के काफी लोग इन्वॉल्व हैं जो आगे गिरफ्तार होंगे।